तो अभी इस्कॉन टेम्पल घूमने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने मंदिर के लिए। और इस्कॉन टेम्पल में बहुत ही टेस्टी अभी प्रसाद मिला सबको, रात शाम का जो भजन किया खत्म हुआ उसके बाद खिचड़ी प्रसाद मिला, वाकई बहुत स्वाद था उसमें। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग प्रेम मंदिर के पास और वहां का नजारा देखते ही इतना अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं यहाँ वृंदावन घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भीड़ तो इतनी ज्यादा है कि मत पूछो, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मेला लगा हुआ है। तो गाइस ये है प्रेम मंदिर वृंदावन का प्रेम मंदिर। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर का नाम ही है प्रेम मंदिर। यह भगवान श्री कृष्ण, राधा के साथ साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता सीता के प्रेम का भी प्रतीक इस मंदिर को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, एक और बात है जो प्रेम मंदिर को इतना खास और भव्य और सुंदर बनाता है, वो है रात्रि के समय इस मंदिर पर बिखेरी जाने वाली जगमगाती हुई लाइटें, जो कि यहाँ पर आने वाली हर किसी को आकर्षित करती हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। और ये लाइटें जो हैं वो हर 30 सेकंड में अपना कलर चेंज कर लेती हैं। हर 30 सेकंड के बाद मंदिर का एक अलग रूप, अलग भव्यता इसकी देखने को मिलेगी यहाँ पर। और ये आज प्रेम मंदिर का नज़ारा है इस तरीके का, इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ गाय चराते होंगे और अब वो लाइट शो स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर हम लोग भी जा रहे हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण के प्रेम के अनगिनत प्रसंगों के चित्र उत्केरे गए हैं, जिससे कि आपको इनके जीवन से प्रेरित होकर बहुत सारी घटनाओं को चित्र के माध्यम से, झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। और इस चीज़ को झांकी के माध्यम से देखना और भी मनमोहक लगता है। और साथ ही साथ शाम के समय में यहाँ पर की गई लाइट एंड साउंड शो जो है वो तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है इस प्रेम मंदिर का। दिन से ज़्यादा मुझे लगता है कि रात में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है इस लाइट शो को देखने के लिए। और उसके साथ ही भक्ति संगीत बजता हुआ, राधा कृष्ण के भक्ति गाने बजते हुए, एक अलग ही भक्तिमय माहौल बन जाता है उस समय यहाँ। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने करवाया था, जो कि कृष्ण भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। और इस मंदिर का निर्माण जो है 2001 में काम शुरू किया गया था और 11 वर्षों के बाद 2012 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसको जनता के लिए खोल दिया गया। Thank you.
तो फ्रेंड्स, शाम के समय प्रेम मंदिर में आपको हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिल सकती है। दिन में तो प्रेम मंदिर सफ़ेद संगमरमर का दिखता है, पर शाम होते ही इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो आकर्षण है, वो 100 गुना बढ़ जाता है। रंग बिरंगी लाइटें जो इस पर पड़ती हैं तो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और इस जगमगाती रोशनी में प्रेम मंदिर को देखने के लिए ये हजारों की भीड़ यहाँ पर जुट जाती हैं शाम में। तो फ्रेंड्स, अभी करीब 8:30 हो रहे हैं और हमें वापस निकलना है, क्योंकि 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। काफ़ी देर हम लोग प्रेम मंदिर में यहाँ पर रुके, यहाँ के बाद वापस अब होटल जाएंगे और होटल के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लान अभी कुछ प्योर नहीं है कहाँ हम लोग जाएंगे। पर बहुत अच्छा लगा इस प्रेम मंदिर में आके, बहुत इंजॉय किया हमने। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।